हिमाचल विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र के बीच बेरोजगार युवा रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार रात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने शिमला पहुंचे थे। जब उनकी बात को अनसुना किया गया तो वह नाराज होकर देर रात तक सड़क पर बैठे रहे। पेंडिंग रिजल्ट फंसे हुए हैं, हमारे डिमांड ये है वही जो जल्द से जल्द घोषित किए जाए। और पिछले 10 महीने से हमें बस इसी के नाम विजिलेंस इंक्वायरी के नाम पे रोका जा रहा है। हिसाब से भी रोजगार प्रभावित है और ऐसे आप भी 3500 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं विजिलेंस इंक्वायरी में। 3500 पोस्ट आप ये कह रहे हैं 3500? हाँ जी, 3500 पोस्ट है जो। उससे कितने नौजवान हमारे शिक्षित नौजवान प्रभावित है? 35,000 के करीब ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं इसमें। तो आप लोग चाहते क्या है? अपनी बात खुल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो हम ये चाहते हैं हमें जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएं, जैसे कि हमें 10 महीने से ऐसे आगे पीछे भगाया जा रहा है। अब हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति करवाई जाए। जानते हैं कि 10 मंथ से हम वेट कर रहे हैं। एक तो पहले इन्होंने कमीशन बंद कर दिया, दूसरा इन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी जो चलाई हुई है अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस इंक्वायरी का कोई समाधान निकले और जो विजिलेंस इंक्वायरी के अंदर जो हमारे पोस्ट कोड फंसे हैं उन पर कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए। उसके लिए बच्चे एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि फिजिकल प्रैक्टिस में पाया जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग, तो उसको बाहर कर दिया जाए। आप हमारी मुख्यमंत्री जी से यही है एक मांग कि आप जो कल्प्रिट है उनको बाहर करें, नहीं है हमारे रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि सरकार हमें आश्वासन पर आश्वासन देती रही है। पिछले कम से कम 5-6 बार तो हम इस सरकार के कार्यकाल में आ चुके हैं। उससे पहले की सरकार थी उसमें भी हमने कई बार यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो अब तो हमें नाउम्मीद ही लगती है इस सरकार से कि गारंटियां मिली है सर। 5 लाख रोजगार का जो इन्होंने सर एक हमें हवाला दिया उसकी वजह से हमने इनको वोट दिया। इवन अपने रिश्तेदारों से वोट दिलवाए कि नहीं ये सरकार कुछ कर रही है। जितने हमारे साथी थे, जितने हम तैयारी कर रहे थे, सबको बोला कि इस सरकार को वोट दीजिए। आज तक 5000 भी नहीं हो पाई होंगी इनसे। एक 5 लाख इन्होंने बोला लेकिन 5000 भी नहीं हो पाई है। 5000 छोड़ो, आप 500 भी नहीं कर पाए अभी तक। तो इस से तो हमें नहीं लगता, ये बोलते हैं कि 30,000-2,000। हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और ये कंटिन्यूअस चलेगी। और जब तक जी सर, अभी तो हम डीसी ऑफिस के सामने सोच रहे हैं, वहां पर ही हम बैठेंगे। और उसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम दिल्ली तक भी जाने के लिए तैयार हैं, उसकी कोई उसमें दिक्कत नहीं है।